तो अब इस पूरे मामले के जांच के आदेश स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से दिए गए हैं डीजी हेल्थ को। लेकिन जिस तरीके से सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही का यह पूरा मामला सामने आया था, क्या कुछ ये खबर थी, दिखाते हैं आपको। अंधेरे में बैठे लोगों की ये तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की। सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में 12 घंटे तक बिजली गायब रही। बिजली ना होने से मरीजों का परेशान होना तो लाजमी था। क्या महिलाएं, क्या युवा और क्या नवजात बच्चे, सभी को बिन बिजली इस गर्मी में 12 घंटों का वक्त काटना पड़ा। मेरे पोती हुई थी, कल से बहुत परेशान हो रहे हैं हम, कल से बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरी बहू भी, बेटी भी, ये भी, ये तो लाइट पूरे दिन भी नहीं थी और पूरे भी ये टाइम निकाल दिया। अस्पताल के आपातकाल में बिना लाइट के मरीजों की सांसें घुटती जा रही थी, तो वहीं जीवन रक्षक मशीनें भी बिना लाइट के मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बन रही थी। यहां भर्ती मरीजों की माने तो जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, अस्पताल में तैनात स्टाफ भी यहां से गायब होने लगा और रात के 10 बजते बजते गायनी वार्ड में कोई अटेंडेंट तक मौजूद नहीं था। वैसे इतनी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। बच्चे बहुत ही बेचैन हो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, ना कोई ऐसी अहम भूमिका निभाई जिससे हम संतुष्ट हो सकें, ना कोई उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों को हम लाइट सही करवा के दे रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। तकरीबन 11 बजे रात बिजली गई और उसे दोबारा लौटने में 12 घंटों का सफर तय करना पड़ा। लेकिन अधिकारी तो दूर की बात है, अस्पताल प्रशासन ही बिजली जाने के बाद गायब हो गया। लोग परेशान होते रहे लेकिन कोई इनके सुध लेने नहीं पहुंचा। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं होने का दम भरते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन प्रदेश के किसी न किसी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आता रहता है। ऐसे में सवाल कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं कि 12 घंटों के बाद भी क्यों थी अस्पताल में बत्ती गुल। इस वक्त मिलेनियम सिटी के उस सरकारी अस्पताल में खड़े हैं जहां पे तमाम ये दावे किए जाते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सही हैं या बहुत मुमकिन हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सरकारी अस्पताल सेक्टर 10 का है और यहां पे तमाम जो मरीज हैं यहां पे सुबह तकरीबन कई दिनों से भर्ती भी हैं, लेकिन आज सुबह से यहां पे लाइट नहीं थी। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, छोटे नवजात बच्चे हैं। और कमाल की बात ये देखिए कि इसके बावजूद जो है वो सुबह से यहाँ पे लाइट नहीं थी और तमाम जो प्रशासनिक दावे थे वो कहीं ना कहीं धूमिल होते जरूर नजर आए यहाँ पे, क्योंकि कोई अटेंडेंट तक यहाँ पे मौजूद नहीं था। आखिर शिकायत करें तो करें किससे? तमाम वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे धूमिल होती नजर आई कि आखिर हम टैक्स भरें तो भरें क्यों। और उस मजबूरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी जैसे जो हॉस्पिटल है उनके अंदर ये सूरत हाल है, तो दूर दराज के इलाकों में किस तरह का सूरत हाल होगा। साइबर सिटी गुड़गांव से दिनेश कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी।